और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी अब शुरू हो गई है। बर्फबारी देख सैलानियों में खुशी का माहौल भी है। गुलमर्ग पहुंचे सैलानियों को कई दिनों से ताजा बर्फबारी का इंतजार था। उनके दिल की ये मुराद भी पूरी हो गई और उन्होंने ताजा बर्फबारी देखकर कहा कि उन्हें नए साल में ताजा बर्फबारी का तोहफा मिला है, जीवन में ये साल यादगार रहेगा। इस बीच गुलमर्ग में पर्यटन से जुड़े लोग भी आज खुश नजर आए। गुलमर्ग में अच्छी बर्फबारी होते ही यहाँ विंटर स्पोर्ट्स का भी आयोजन शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर का बेहद वो खूबसूरत स्थान जहां पर देश विदेश से हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं, बर्फबारी का इंतजार उन्हें होता है। और अब इस बार जब गुलमर्ग में इस समय की सबसे अच्छी बर्फबारी देखी जा रही है तो वहां पर पर्यटकों में भी खासा खुशी का माहौल इस समय दिखाई दे रहा है। मेरा एक ड्रीम था 2022 का कि मुझे स्नो देखना है और वो 2023 शुरू होने से पहले कंप्लीट हो गया। आई थिंक सबको लाइफ में एक बार गुलमर्ग आके स्नो देखना चाहिए, बिकॉज जो बोलते हैं कि इफ देर इज हेवन ऑन अर्थ इट इज हेयर, एकदम सही बात। कि लोगों के लिए ये मैसेज है, सबसे पहले कि आप गोंडोला राइड पहले ही बुक कर लो, क्योंकि मुझे टिकट्स नहीं मिल रही है तो आप पहले ही गोंडोला बुक कर लो ऑनलाइन। दूसरी चीज़ ये है कि आप बिल्कुल आओ, इंजॉय करो फैमिली के साथ, फन आओ, जल्दी आओ ताकि आपको सब कुछ अच्छे से अवेलेबल हो सके। एंड यस, बिल्कुल आइए। तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये तस्वीरें आप गुलमर्ग से देख रहे हैं जहां पर इस समय पर्यटक पहुंचे हैं, बर्फबारी का लुत्फ पर्यटक उठा रहे हैं, साथ ही खुशी का माहौल भी पर्यटकों में इस समय बना हुआ है सीजन की इस बर्फबारी को देखकर।